तो भाई अब मेन बात पे आ जाते हैं, गाड़ी के कितने प्राइस लगे हैं, कितने रुपए बोले हैं भाई स्पिनी वालों ने। सो हेलो भाई, मैं आपका दोस्त हर्ष। और भाई आज की इस वीडियो में ना मैं क्या सोच रहा हूँ, इस गाड़ी को सेल करने का देखते हैं। मतलब इस गाड़ी के कितने रेट वगैरह इस टाइम पे करंटली मिल जाएंगे। सामने खड़ी है गाड़ी वैगन आर 2018 मॉडल, कंपनी फिटेड CNG, सेकेंड ओनर। ठीक है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ या तो स्पिनी पे करके देखते हैं या फिर OLX ऑटोज़ पे या कार्स 24 पे, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, तो करके देखते हैं। सबसे पहले है ना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी होती है, मैं वो कर लेता हूँ, स्पिनी में करता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक, तो स्पिनी में अपॉइंटमेंट मैं बुक कर देता हूँ, देखते हैं वहाँ का फिर क्या सीन रहता है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। तो भाई ऐसा है, मैं अपॉइंटमेंट वगैरह मैंने बुक कर दिया। ठीक है, वो जो अपॉइंटमेंट मेरी बुक हुई है वो ये आज की 4 बजे की। ठीक है, तो 4 बजे भाई आने वाले हैं और देखते हैं इसका कैसे कैसे चेकअप वगैरह इसका करते हैं। तो भाई फ़िलहाल स्पिनी वाले भाई हमें पहुँच चुके हैं और इंजन वगैरह के नीचे से हर एक चीज़ चेक कर रहे हैं गाड़ी की। ठीक है, और फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही है, बाकी दिखाते हैं यार इसका होता क्या है। इंस्पेक्शन वगैरह भी अपनी गाड़ी का देखो चल ही रहा है बिल्कुल भाई, एकदम चारों दरवाजे की रबड़ वगैरह हटा के पेंट वगैरह चेक कर रहे हैं पूरी गाड़ी का, टक 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 कर घर के। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 4:30 और ये भाई अपने आए हैं स्पिनी से। क्या नाम है भाई? सुशील। सुशील नाम है भाई का। और जितने भी अपना जो पेंट वगैरह चेक का था, बॉडी चेक की थी जो भी, वो सब कुछ अपना काम हो चुका है। अब मेन जा रहे हैं अपने टेस्ट ड्राइव की तरफ। तो भाई ये बताओ कितने किलोमीटर चलाओगे अपने टेस्ट ड्राइव में? 4 किलोमीटर भाई। 4 किलोमीटर अपनी टेस्ट ड्राइव होने वाली है, जिसमें कि अपना उबड़ खाबड़ का रोड, के गाड़ी के गाड़ी में से कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही, उस चीज़ का होएगा। और उसके बाद चलेंगे एकदम प्लेन रोड पे, गाड़ी किस तरह की चल रही है। ठीक है, तो दिखाते हैं आगे आगे। तो भाई अपनी जो टेस्ट ड्राइव है ना, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन। ठीक है, तकरीबन ऐसा ही होता है कि 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास अपनी चलानी होती है गाड़ी। तो भाई एक बात बताओ, जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन है 2018 मॉडल, ठीक है, आपके हिसाब से इस गाड़ी के कितने रुपए मिल जाएंगे? वो तो रेट के ऊपर बात है, नहीं फिर भी आपके हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को लो तो जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन बना रखी है, कितने रुपए मिल जाएंगे? वो प्राइस है गाड़ी का, कितना प्राइस था जिस टाइम आपने लिया, उनका और भी हिसाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रनिंग कितनी है, कितना टाइम बचा है, कौन सा कलर है, हर चीज़ देख के जाती है, उस हिसाब से प्राइस फिक्स होती है। वो प्राइस हमारा बताने का काम है, जो प्राइस कोड देती है, प्राइस कोड टीम का काम होता है, हमारा ओनली इंस्पेक्शन का काम होता है। अच्छा, तो भाई जैसा कि आपने सुन लिया होगा क्या क्या कुछ इनका सीन रहता है, बाकी अपनी इंस्पेक्शन वगैरह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, उसके बाद कितनी देर में प्राइस आ जाता है, कितने टाइम में? 2 घंटे बाद प्राइस की कॉल आ जाती है आपके पास। अच्छा, तो भाई जैसे कि आपने सुन लिया 2 घंटे में कॉल आ जाएगा, उसमें अपना प्राइस वगैरह बता देंगे, गाड़ी का कितना प्राइस रहने वाला है। ठीक है, तो भाई अपनी गाड़ी का सारा इंस्पेक्शन हो चुका है, डन। और भाई जो अपने भाई आए थे स्पिनी की तरफ से, भाई क्या नाम था आपका? सुशील। सुशील भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू। तो भाई जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, गाड़ी का ज़्यादा कुछ खास चेकअप तो कुछ करना नहीं होता, फ़ोटो वगैरह खींचती हैं और अपने दरवाजे खुल के जो रबड़ की बिडिंग्स वगैरह होती हैं ना, ये छोटी मोटी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे कि ये चीज़। इससे क्या होता है ना कि बॉडी लाइन वगैरह गाड़ी की चेक होती है, गाड़ी एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है या फिर अदर कोई चीज़ इसमें हो नहीं रखी। और रीपेंट वगैरह का चेक करते हैं उसमें, उनके पास छोटी सी मशीन होती है, उस पर लगा लगा के बोनट रीपेंट है या फिर फेंडर या फिर डोर वगैरह। छत तो जैसे कि भाई आपको पता ही है अपनी गाड़ी की ओरिजिनल है, बस छत छोड़ के बाकी अपनी पूरी गाड़ी नीचे से रीपेंट है। ठीक है, तो भाई अब मेन बात पे आ जाते हैं, गाड़ी के कितने प्राइस लगे हैं, कितने रुपए बोले हैं भाई स्पिनी वालों ने। तो भाई स्पिनी वालों ने बोल दिए लास्ट प्राइस 3,15,000 रुपये। तो ये ऑडियो क्लिप भी सुन लो छोटी सी। तो जो प्राइस आ रहा है गाड़ी के सर, वो 3,15,000 रुपये सर। तो मैं जान सकता हूँ मैं सर आज या कल में कब तक के लिए मैं सर शेड्यूल रखूँ सर मैं गाड़ी पिक करने के लिए? तो भाई ऑडियो क्लिप जैसे कि आपने सुन ली होगी, ठीक है, 3,15,000 उन लोगों ने बोल दिए। और मतलब उन्होंने तो ना बस यूँ बोल दिया कि आप देख लो पूरी मार्केट में आपको इससे बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, बाकी ठीक ठीक तो नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो कम है थोड़ा सा, तकरीबन 3.5 या 3.70 के आस पास आई थिंक होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी की वीडियोज़ वगैरह अगर आपको देखनी हो ना तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वो भी जाके अगर आप देख सकते हो।
तो भाई फिलहाल यही थी आज की ये वीडियो, ठीक है। अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि OLX ऑटोज़ पे इसका चेकअप वगैरह करवाता हूँ, देखता हूँ उसका क्या प्राइस वगैरह मिलेगा OLX ऑटोज़ पे। OLX ऑटोज़ का ज़्यादा है या फिर स्पिन का ज़्यादा है वो आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।